गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूँ। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहाँ आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से और वहाँ लेते हैं कि वहाँ कल क्या हुआ। और वहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो कुल 134 पॉइंट की गिरावट हुई है, लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ आखिरी क्षणों में कल अच्छी रिकवरी भी आई है, तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन वहाँ से हम देखेंगे कि एक अच्छी खासी 200 पॉइंट की एक रिकवरी भी हुई है और ये अच्छी बात है। नैसडेक भी कल करीब करीब 100 पॉइंट नीचे था और नैसडेक में कोई रिकवरी जैसी नहीं थी, नैसडेक कल गिरता ही रहा। और बाकी भी अगर मार्केट देखेंगे तो जापान प्लस में है, तो हांगकांग नेगेटिव में है, डैक्स भी कल काफ़ी नीचे बंद हुआ, तो जो क्लूज़ हैं वो काफ़ी मिक्स है। तो हम लोग अपनी बात करते हैं कि हम अपने यहाँ इंडिया में कल क्या हो सकता है। तो कल एक बात अगर हम लोग देखेंगे तो कल जीडीपी के नंबर आए और वो काफ़ी शानदार थे। तो जीडीपी के नंबर जो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं और ये दिखा रहा है कि फ़िलहाल हमारी जो इकोनॉमी है बहुत मजबूत हो रही है। तो शुरुआत करते हैं एसजेएक्स निफ्टी से, जहाँ अभी हम लोग फ़िलहाल करीब करीब 70 पॉइंट की एक गिरावट देख रहे हैं कल की अपेक्षा। और यही 70 पॉइंट की गिरावट को अगर हम लोग समझते हैं कि ये अभी थोड़ा जल्दी होगा, आज वीडियो में जल्दी बना रहा हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हम लोग उसी को मान के चलते हैं कि आज हम लोग 70 पॉइंट गैप डाउन खुल सकते हैं। अगर खुल सकते हैं तो उसके हिसाब से हमारे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होने चाहिए, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहले डेटा क्या बता रहा है। और डेटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कल काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, मतलब प्रेशर काफ़ी है नीचे की ओर। और अब हमारे पास में 18600 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर फिलहाल 18500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट, आज एक्सपायरी भी है। तो जो भी लेवल यहाँ से टूटेगी, अगर 600 की लेवल टूटेगी तो वहाँ से आपको 150 पॉइंट का ऊपर उछाल दिखेगा, अगर 500 की टूटती है तो 500 के नीचे भी आपको 100 पॉइंट और आते हुए दिख सकते हैं। कल भी कल मार्केट अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा एक गिरावट के बाद फिर साइडवेज ही रहा। तो बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। देखिए, आज मैंने जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ की है वो है 18477 के पास में, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 पॉइंट से अगर हम लोग गिर गए तो फिर हम लोग नीचे की ओर ही चलेंगे, लेकिन अगर हम लोग कम गिरें और 18477 को नहीं ब्रेक करके या वहीं हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर वहाँ वापस से बाइंग आ सकती है। और फिर 18521 और 18567 ये जो दो लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं, शायद हो सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो मैं आपको एक और लेवल भी यहाँ देना चाहूँगा और वो होगी आपकी 18600 की, क्योंकि आपने देखा कि 18600 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हम लोग वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि क्या 18600 तक जाएंगे या 18600 को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकते हैं। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन कोई भी एक तरफ बड़ी मुंह आ सकती है। अगर हम लोग ने 477 ब्रेक कर दिया नीचे की ओर, तो फिर आप शॉर्ट करेंगे नीचे 18422 और 18392 के दो लेवल के लिए, और इन लेवल पे आप बाइंग भी करेंगे। अगर 18400 के आसपास आपको आ जाता है तो वहाँ आपको एक बाइंग का मौका भी मुझे दिखता है, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आप वहाँ बाय भी कर सकते हैं। अगर 18600 का ऊपर का लेवल आ जाता है तो वहाँ आप 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो हम लोग अगर यहाँ सर्च देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जो लेवल्स है वो बेसिकली यहाँ भी काफ़ी सारी कॉल राइटिंग भी हुई है और पुट एंड अर्निंग हुई है, मतलब यहाँ भी प्रेशर है नीचे की ओर। लेकिन हम अगर कल का चार्ट देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि वहाँ लास्ट में एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में आई थी। अब जो बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आई थी उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं यहाँ अब एक्सपायरी के दिन काफ़ी सारी कॉल राइटिंग यहाँ हमको दिख रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर। तो पहला रेजिस्टेंस ही हमारा 44200 का होगा और फिर 44300, 44400 सारे लेवल अब यहाँ एक्सपायरी, जबकि नीचे की ओर हमारा सिर्फ 44000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ जो सपोर्ट है वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है उसके अलावा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चार्ट पे देखते हैं तो हमारा जो लेवल ही आ रहा है बाउंड्री लाइन से, तो इसलिए मैंने 4472 का एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ किया हुआ। ओके, तो 4472 हमारी बाउंड्री लाइन होगी और
अगर हम लोग ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम नीचे सीधा 44,835 और 43,835 और 43,600 के लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर 44,72 ये बाउंड्री लाइन हम लोग अगर पार नहीं की, ये थोड़ा सा बहुत नीचे आके फिर ऊपर होकर अगर हम लोग चलने लगे तो फिर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड में, और फिर हम लोग यहाँ बाय करेंगे 44,327 और 44,500 के दो लेवल्स के लिए। 43,600 के आसपास आप बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 100 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ में, और 44,500 के पास में आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एक वहीं भी 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, आज क्योंकि निफ्ट एक्सपायरी का दिन है तो यहाँ भी आप पहले आखिरी एक घंटे में काफ़ी उथल पुथल देख सकते हैं और वहाँ आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का बाजार पर सॉरी आज मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से होती है। मैं यहाँ आपसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जो लेवल्स है उनको सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मार्केट कहाँ किस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, इसी के कामना के साथ मैं आपका आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।